हूँ आपके साथ राकेश ओकन और आप देख रहे हैं न्यूज 70। न्यूज 70 के ऊपर आज हम आपको लेके आए हैं हांसी में। हांसी में किसानों ने SSP का घेराव किया हुआ है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े किसान नेता भी आए हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मनोज राठी जी। आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार राठी जी। नमस्कार जी भाई साहब। आज आप यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं? देखो, आज हमारा एक साथी है कुलदीप सातरोड, उसको चोट लगी। यहाँ अपना सांसद जी आए थे, पुलिस ने उसको लठ मारा, उसकी अंदर से नस फट गई और वो भाई साहब आज जीवन और मृत्यु की सैया पे है। उसके लिए हम आए हैं यहाँ। SP मैडम ने बिना सोचे समझे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए बयान दे दिया कि इसको तो मिर्गी आया करती, इसको तो बीमारी थी। मैं तो पूछना चाहूँ उस SP मैडम से, भाई आप डॉक्टर हो कि SP हो? उनका ये बयान बनता ही नहीं था। इस हिसाब से तो ये दिखने लग गया कि वो SP जो है BJP की प्रवक्ता बनी हुई है, वे तो BJP का काम करने लग रहे हैं। मैंने तो कई बार बताया है कि हरियाणा पुलिस जो है BJP की वर्कर हो चुकी है, इनको हरियाणा सबद हटा देना चाहिए, इनको तो BJP पुलिस लिख देना चाहिए। आज आप थाने में चले जाओ, आम आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी। को एक आदमी, सिंगल आदमी थाना में फ्री में काम करवा लियाओ, फ्री में दरखास्त देके जाओगे तो आपको रिसीविंग भी नहीं देंगे, आपको रिसीविंग के लिए तार दिया जाएगा। तो आप कहाँ आस करोगे पुलिस से कि पुलिस फ्री में काम कर देगी? BJP के नेताओं के फ़ोन कराओ या BJP के नेताओं को साथ ले जाओ तो आपके काम होंगे। ये बड़ी शर्मनाक बात है और ये एक कानून व्यवस्था को ख़त्म करने वाली बात है। जो आदमी गलत काम करा उसके खिलाफ तो मुकदमा नहीं, जो बेचारे वहाँ बैठे उनके खिलाफ पर्चे, उनको जेल में डालने का काम करा है। इसलिए यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं कि हमारे कुलदीप भाई को न्याय मिले, SP मैडम अपना बयान वापस ले, माफ़ी मांगा किसानों से, और जो हमारे झूठे मुकदमे हमारे किसान साथियों पर डाले हैं वो वापस हों। क्योंकि सारी दुनिया ने पता है भाई, रामचंद्र जी की गाड़ी जो तोड़ी है खुद तोड़वाई भाई साहब है, और हमने काट भी ली है वीडियो, कुछ किसके फोटो आ रहे हैं हमने पता है। वो JJP के BJP के आगे नारनौंद के लोकल नेता हैं, उनका इलाज कराया जाएगा। अब बातचीत चल रही है, उनके गांव में जाएंगे, उन्हें बताएंगे इन्हें कराया कांड है। ये हमारे किसान नेता नहीं है भाई साहब, किसानों ने नहीं फोड़े, इससे फोड़वाए खुद के हैं ये BJP के नेता। वो पहले से ही प्लांट करते हैं वर्करों को, भाई यो काम करवा दो, रोड़ा माजेगा, जातीय रंग दे दियो इसको, और जातीय रंग दे के प्रदेश की जनता को बका के उनका लठ भजवा दो। आज फिर प्रदेश सरकार एक बार जातीय रंग दे के आपस में जनता को लड़वाना चाहे है। मैं पूरी जनता का से अपील करना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाई साहब की बका मन आ जियो। ये बहुत गलत और झूठे टाइप के नेता है, बहुत घटिया तक घटिया लेवल पर जा सके हैं। इसलिए पूरी जांच करे बहना, जातीय रंग मत देना इस आंदोलन को, 36 जात का आंदोलन है भाई साहब। किसान तो हैं 36 जात में, प्लस के अंदर मजदूर जो हैं किसान के बगैर जी नहीं पाएंगे, दुकानदार जी नहीं पाएंगे किसान के बगैर, व्यापारी जी नहीं पाएंगे। इसीलिए किसान आधार है, सारे भाई किसानों के साथ लगो और अत्याचारी के खिलाफ आवाज उठाओ। एक सांसद अरविंद शर्मा ने बयान दिया था अभी 2-1 दिन पहले, उन्होंने कहा था हम आंखें भी निकाल लेंगे और जरूरत पड़ी तो जो हाथ हमारी तरफ बढ़ेगा हम हाथ भी काट देंगे उनका, मनीष ग्रोवर की तरफ जो हाथ बढ़ेगा। ऐसे है भाई साहब, वो तो जाति पाति का कीड़ा है, नाली का कीड़ा वो है, उसको इतना ज्ञान नहीं है भाई। तू सांसद है, इतना बड़ी पंचायत में बैठा है, बयान तो ढंग के दे ले, किसके हाथ काटेगा, किसकी आंख निकालेगा? आम आदमियों की, जिनको जिनने उसको वोट दिए हैं उनके हाथ काटेगा, उनकी आंख काटेगा? शर्मनाक बयान है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं इस बयान की, और मैं तो सारी जनता से अपील करूंगा इस प्रकार की जात पात की बात करने वाला का इलाज कर दो, उनका प्रबंध बांध दो, ताकि जनता में ये क्लियर मैसेज जावे कि सारा प्रदेश एक है, 36 बिरादरी एक। आज आधुनिक युग है, पढ़े लिखे युवा हैं, आज के युवा चाहते हैं कि हम एक रवा, हम एक घाट पर पानी पीवा, और वो चाहता है कि जात पात में बांट के और एक बार मैं फिर तुक्का भी डालूं। वो ये 2014 में उसने पंजाबियों के खिलाफ बयान दिया था भाई साहब, जब पंजाबियों में रोष था, आज भाई साहब आपके सामने। अच्छा राठी साहब एक बात बताइए, कुछ दिन पहले आपके साथ भी पुलिस ने मारपिटाई की थी, आपको गाड़ी में डाल के ले गए थे, तो क्या आपको पुलिस से डर नहीं लगता? अभी भी आप इतने हाईलाइट होते रहते हो, किसानों का समर्थन करते रहते हो, हमेशा स्टेज पे भी आगे मिलते हो, मीडिया में भी आते हो, तो आपको डर नहीं लगता इस चीज़? क्यों डरेंगे भाई, किस लिए डरेंगे हमें? मैंने पता है हम एक जायज मांग के लिए गए थे, SHO ने बड़े बड़े BJP के नेताओं कहने थे, मैं उठाया था और उठा के उन्होंने मेरे चोट मारी थी, खूब पिटा था बस में। SHO कप्तान सिंह और उसके दो साथी और एक सुखजीत SHO बरवाड़ा, ये नाली के कीड़े हैं, भ्रष्ट हैं। और SHO कप्तान सिंह ने तो इशार को बर्बाद कर दिया, ड्रग एडिक्ट है वो, खुद ड्रग्स बिकवाता है, सारी दुनिया ने पता है उसका किस प्रकार का वो SHO है। मैं तो कहूँगा जब समय आवेगा तब उनका इलाज भी करांगे और उनको जेल में डालने का काम भी करांगे भाई साहब। समय बदलता रहा है, उस SHO को पता नहीं है कि सरकारें हमेशा BJP की नहीं रहनी,
ये और भी लोग आएंगे और उस दिन इन गलत लोगों का इलाज कराया जाएगा। और हम इन मार से डरने वाले नहीं हैं, इन बीजेपी वालों के लट टूट जाएंगे, हमारे हौसले नहीं टूटेंगे भाई साहब। मतलब आप किसानों का समर्थन करते करते चाहे आपके पास लट टूट जाए आपको कोई डर नहीं लगता? अरे मैं खुद खेती बाड़ी करूँ, कर जाऊंगा बता भाई, पेट का सवाल है यार मेरा, 150 मन बाजरा दान खरीदा को नहीं कर जाऊंगा बता। अरे मजबूरी है हमारी आंदोलन करना, ये बीजेपी वाले पता नहीं समझे कौन समझे, अरे हमारी मजबूरी है, हमारे बालक कैसे पढ़ेंगे, हमारे खर्चे को खर्चा लेंगे। तो फिर आज यहाँ से आप यहाँ से मांग करें कि एसएसपी माफी मांगे, सबसे पहले तो इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो जिस जिसने गलत काम करा है। अगर सरकार या एसएसपी आपकी मांग नहीं मानती तो अगला कदम क्या होगा भाई साहब? संयुक्त मोर्चा के बड़े बड़े नेता है, जो कदम उठाओगे उनके गिल्ला हम भाई साहब झंडे के साथ पूरे। चलो धन्यवाद राठी जी। तो राठी जी ने हमें बिल्कुल खुलकर सारी बातें बताई हैं कि आज यहाँ क्या होने वाला है, एसएसपी से माफ़ी मंगवाने का भी इरादा है और जो लोगों ने उनके ऊपर अटैक किया था, कुलदीप हैं जो सात रोड से, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लोग गुजारिश कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आपको और ज़्यादा अपडेट देते रहें, देखते रहिए न्यूज 70 को और हम आपको ताज़ा अपडेट लेके आते रहेंगे, यहाँ के आपके जो हालात हैं हंसी के ये आपको दिखाते रहेंगे कंटिन्यू। तो आप जुड़े रहिए न्यूज 70 के साथ, तब तक के लिए हमें कर दीजिए अलविदा, धन्यवाद।